Hello everyone, once again I welcome you all to this sixth module of previous year question solutions of HMT. And इसके पहले हम लोगों ने 5 modules अपने cover कर लिए, ये हमारा 6th module है. 1 mark questions already हम लोग cover कर चुके हैं अपने HMT के लिए. आज हम लोग इस module में particularly start करेंगे 2 marks questions. और 2 marks questions आप लोगों को पता है कितने important होते हैं और काफी ज़्यादा scoring होते हैं. कई बार तो बहुत easy पूछ लिया जाता है. कुछ कभी ऐसा देखा गया है कि कुछ numericals जो होते हैं वो थोड़े से tougher side में चले जाते हैं. तो ठीक है, तो लेकिन हमें अपना आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है प्रॉब्लम्स का कि कौन सी प्रॉब्लम्स हम लोग इजीली कर पाएंगे और कौन सी प्रॉब्लम्स हम लोग डिफिकल्टी से कर पा रहे हैं. ठीक है, चलिए. तो इसके अलावा बाकी चीजें तो आप लोगों को पता ही है कि कैसे हम लोग को पेपर अटेम्प्ट करना है, कैसे चीजों को आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, पेपर हम लोग इस पे भी वीडियोस लाते रहेंगे बीच बीच में, हाउ टू मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, कौन से क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट नहीं करना है. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. लेकिन जल्दी से इस लाइव वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए. चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मेनली 2 मार्क्स क्वेश्चंस व्हिच विल बी बोथ एमसीक्यू एंड न्यूमेरिकल आंसर टाइप. ठीक है, एमसीक्यू टाइप भी होंगे और न्यूमेरिकल आंसर टाइप भी क्वेश्चंस हमारे यहां पर होने वाले हैं. चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा है. अ फ्लूइड विद प्रांडल नंबर 1. अब प्रांडल नंबर अगर 1 इसने डायरेक्टली आपको बता दिया, इसका सिंपल से मतलब है डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा टी. ठीक है, डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा टी एट 500 केल्विन, मतलब टेम्परेचर ऑफ इंफिनिटी इज 500 केल्विन, फ्लोज ओवर अ प्लेट ऑफ लेंथ 1.5 मीटर. लेंथ ऑफ द प्लेट इज 1.5 मीटर, टेम्परेचर ऑफ द सरफेस इज 300 केल्विन. अब यहां पर देखिए टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस है मतलब थर्मल बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हो सकता है. द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज, मतलब v इंफिनिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड. न्यू हैज बीन गिवन एज 30 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. इसका डायमेंशन क्या होता है, L2T-1. इसका डायमेंशन क्या होता है, L2T-1. ठीक है, द डायमेंशन इज L2T-1. ऑलराइट, द थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस एट 0.5 मीटर फ्रॉम द लीडिंग एज. ये आपको बताना है, लीडिंग एज से 0.5 मीटर पर व्हाट विल बी द थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस. थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस ये बहुत सिंपल है, प्रांटल नंबर इज इक्वल्स टू म्यू सी पी अपॉन के. ठीक है, ये आपको पता है. अब इसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा अपना रेनॉल्ड्स नंबर. सबसे पहले वी विल फाइंड आउट द रेनॉल्ड्स नंबर. ठीक है, सबसे पहले वी विल फाइंड आउट द रेनॉल्ड्स नंबर. फिर रेनॉल्ड्स नंबर का रिलेशन हम लोग यहां पर यूज करेंगे कि डेल्टा इज इक्वल्स टू 5x अपॉन अंडर रूट ऑफ आर ई एक्स. ये वाला रिलेशन यूज करेंगे और फिर क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा टी लगा देंगे. तो 5 इंटू एक्स क्या मतलब कितनी दूरी पर निकालना है, 0.5 पर अपॉन अंडर रूट रेनॉल्ड्स नंबर रो वी डी अपॉन म्यू या वी एल अपॉन न्यू, ये भी लगा सकते हैं. वी आपको दिया हुआ है 10, एल आपको टोटल लेंथ दी हुई है. ठीक है, टोटल लेंथ दी भले हुई है लेकिन किस पॉइंट पर आपको निकालना है, 0.5 मीटर पे निकालना है. किस पॉइंट पे निकालना है, 0.5 मीटर पे निकालना है. न्यू आपको दिया हुआ है. तो रेनॉल्ड्स नंबर जब आप कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ रेनॉल्ड्स नंबर में आपको बताऊं, सो इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, 1.67 × 10⁵. 1.67 × 10⁵. ठीक है, तो रेनॉल्ड्स नंबर जो है ये आ रहा है आपका 1.67 × 10⁵. तो डेल्टा जो आपका हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या हो जाएगा, 5 × 0.5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1.67 × 10⁵. तो डेल्टा हाइड्रोडायनेमिक ये आ जाएगा 6.124 mm. तो जब 6.124 mm आपका हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर आ गया तो थर्मल बाउंड्री लेयर भी उतना ही हो जाएगा, बिकॉज द प्रांटल नंबर इज इक्वल टू 1. सो करेक्ट आंसर यहां पर आप mm में जो रिपोर्ट करेंगे, mm में अगर आपको रिपोर्ट करना होगा तो 6.124 mm वुड बी द करेक्ट आंसर. 6.124 mm वुड बी द करेक्ट आंसर. ऑलराइट, तो ये हो गया आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये रिलेशन आपको मैंने बताया था, कुछ रिलेशन हैं हमें याद रखने पड़ते हैं.
ठीक है, ये कुछ रिलेशन है हमें याद रखने पड़ते हैं। ऑलराइट, तो ये हम लोग को, क्योंकि आपका रेनॉल्ड्स नंबर जो है ये क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर से कम है, 5 × 10⁵ क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर होता है, इससे कम है तो हमारा फ्लो लैमिनार हो गया, और ये रिलेशन होता है मेरा लैमिनार के लिए। ठीक है, दिस इज द रिलेशन फॉर लैमिनार। ऑलराइट, ये चीजें बस यहाँ पर माइंड करनी पड़ती हैं, और यही चीजें क्या होता है अक्सर एकदम लोगों को ध्यान नहीं आती, आईएससी बैंगलोर ने पूछा है 2016 में। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर करते हैं। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर द फ्लो थ्रू अ पाइप ऑफ रेडियस आर, द वेलोसिटी एंड द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन आर गिवन। ऑलराइट, वेयर C1 C2 आर द कॉन्स्टेंट, द बल्क मीन टेम्परेचर इज गिवन बाय दिस रिलेशन, वेयर UM बींग द मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो, द वैल्यू ऑफ TM। तो TM की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। ऑल्दो दिस क्वेश्चन सीम्स टू बी वेरी डिफिकल्ट, लेकिन ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल ही है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन करना, यू हैव टू परफॉर्म ओनली द इंटीग्रेशन। राइट, तो जो TM है मीन टेम्परेचर, दैट इज 2/UM r² 0 से R, U ऑफ R एंड X, T ऑफ R एंड X, R dr। ठीक है, अब U कितना दिया हुआ है, U पूरा उठा के रख दीजिए C1 यहां पर, T कितना दिया हुआ है उठा के रख दीजिए यहां पर। ठीक है, दोनों वैल्यूज आप यहां पर पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 2/UM r² 0 टू R, C1 C2 1 - R/R क्यूब R डॉट, मतलब R dr, ये हो जाएगा पूरा। आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, पूरा आप जब यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे, देख काफी लंबा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, सॉल्व करेंगे तो यहां से आपका मीन टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी 0.6 टाइम्स C2। मीन टेम्परेचर इज कमिंग आउट टू बी 0.6 टाइम्स C2। ठीक है, यहां सिर्फ और सिर्फ आपको इंटीग्रेशन ध्यान से करना होगा। तो C1 C2 तो कांस्टेंट होगा, इसको आप बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, C1 C2 कांस्टेंट होगा, आप इसको बाहर निकाल लेंगे। UM की जगह क्या रख देंगे बाद में, C1 रख देंगे। UM की जगह क्या रख देंगे बाद में, C1 रख देंगे, एंड सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से करेक्ट आंसर आपका हो गया ऑप्शन C 0.6 C2, इतना हो गया 0.6 C2। ठीक है, ये आपका IIT कानपुर ने पूछा था, ठीक ठाक क्वेश्चन है, मतलब इंटीग्रेशन ही है मेन यहां पर, तो काफी लोगों ने इसे छोड़ दिया था देख कर ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉन डायमेंशनल फ्लूइड टेम्परेचर प्रोफाइल इज गिवन, TW - T/TW - T इनफिनिटी a + by l + c × y by l² where y is measured perpendicular to the plate, l is the plate length, a b c are constants, TW, T infinity are wall and ambient temperature respectively. If the thermal conductivity of the fluid is K and the wall heat flux is Q", Nusselt number has to be calculated. तो Nusselt number यहाँ से आपको निकालना है। तो heat flux जो होता है हमारा, हमें पता है Q" is equals to K del T by del Y at Y is equal to 0. ठीक है? And you also know that H T wall minus T infinity is equals to K T wall minus T infinity. Sorry, सबसे पहले हम लोग यहां से निकालेंगे del T by del Y at Y is equal to 0. तो कितना हो जाएगा B Y, देखिए आपको टेम्परेचर प्रोफाइल दिया है बी वाई बाई एल प्लस सी इंटू वाई बाई एल का होल स्क्वायर। सो डेल टी अपॉन डेल वाई कितना हो जाएगा बी बाई एल प्लस 2 × C y/l। नाउ पुट y इज इक्वल टू 0, तो ये पूरा आपका यहां से उड़ गया। ठीक है, ये पूरा आपका उड़ गया। तो h TW - TS दिस वुड बी इक्वल्स टू k टाइम्स TW - T infinity इंटू बी बाय L, into B by L. तो यहां से H क्या आ जाएगा, H आपका हो जाएगा KB upon L. H की वैल्यू यहां कितनी आ जाएगी KB upon L. और Nusselt number कितना होता है आपका, इसका भी फॉर्मूला HL upon K, और which is equals to KB upon L.
ठीक है, तो नसेल्ट नंबर यहां से अगर आप कंपेयर करें तो कितना हो गया बी, नसेल्ट नंबर अगर यहां से आप कंपेयर करो तो कितना हो गया बी, नसेल्ट नंबर यहां से हो गया आपका बी, तो करेक्ट आंसर इज बी, नसेल्ट नंबर इज इक्वल टू क्यू डबल डैश अपॉन टी, तो यहां से एल बाई के जब ये इतना सॉल्व कर लेंगे तो यहां से आंसर हो जाएगा हमारा बी, ये पूछा गया 2014 में, ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक सिंपल ही है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस यहां पर यही चीज हमें ध्यान रखनी है, जितनी कन्वेक्शन से हीट जाएगी दैट विल बी कंडक्टेड, ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर करते हैं, वाटर फ्लोज थ्रू अ ट्यूब ऑफ डायमीटर 25 × 10⁻³ मीटर, एवरेज वेलोसिटी मतलब यू एवरेज इज गिवन एज 1 मीटर पर सेकेंड, द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर डेंसिटी इज 1000, डायनेमिक विस्कोसिटी हैज बीन गिवन 7.25 × 10⁻⁴ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, थर्मल कंडक्टिविटी हैज बीन गिवन, प्रांटल नंबर हैज बीन गिवन, नसेल्ट नंबर इज इक्वल टू 0.023, रेनॉल्ड्स टू द पावर 0.8, नसेल्ट नंबर सॉरी रेनॉल्ड्स टू द पावर 0.8, प्रांटल टू द पावर 0.4। नाउ दिस इज कॉल्ड एज द मैकएडम्स इक्वेशन, ठीक है, ये होती है हमारी मैकएडम्स इक्वेशन, नसेल्ट नंबर 0.023, रेनॉल्ड्स नंबर टू द पावर 0.8, प्रांटल नंबर टू द पावर 0.4, तो नसेल्ट नंबर इज HD अपॉन K, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0.023, व्हाट इज रेनॉल्ड्स नंबर, रो VD अपॉन म्यू टू द पावर 0.8, प्रांटल नंबर हैज ऑलरेडी बीन गिवन, ठीक है, हैज ऑलरेडी बीन गिवन, बट वी विल कीप द प्रांटल नंबर हियर एज हाउ मच 4.85, which has been given to us, 4.85 to the power of 0.4. Now, keeping all the values and solving further, we will obtain H is equal to 4613.65 watt per meter square Kelvin. 4613.65 watt per meter square Kelvin is the correct answer. Alright, so यहाँ पर this equation is called as MacAdams equation. ठीक है, मैक एडम्स इक्वेशन, रेनॉल्ड्स की पावर 8, प्रांटल की पावर n होता है, वेयर n इज 0.4 और 0.3 फॉर कूलिंग एंड 0.4 फॉर हीटिंग, इसी टाइप से कुछ हम लोग ने यहां पर डिस्कस किया था थ्योरी में, ऑलराइट, सो यहां पर आपका 0.4 ऑलरेडी दे दिया हुआ है, कुछ नहीं होता तो मान लेते हीटिंग ही हो रही होती है, ठीक है, तो 0.4 लगा दिया है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 4613.65 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। नेक्स्ट, वाटर वाटर की स्पेसिफिक हीट दी हुई है, एंटर्स अ पाइप एट द रेट ऑफ इतना एंड द टेम्परेचर इतना, द पाइप ऑफ डायमीटर इज इतना एंड द लेंथ इज 3 मीटर, सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट हीट वॉल फ्लक्स, आपको पता है नसेल्ट नंबर मैंने बताया था, सबसे पहले कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर में 3.66 और 4.36, ये होता है जब कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर होता है, कॉन्स्टेंट वॉल टेम्परेचर होता है जब होता है कॉन्स्टेंट हीट फ्लक्स, दिस इज फॉर कॉन्स्टेंट हीट फ्लक्स, कॉन्स्टेंट हीट फ्लक्स, ठीक है। चलिए तो यहां से जो हीट वाटर लेगा, ये जो मान लीजिए आपका पाइप है, ये आपने कॉन्स्टेंट हीट फ्लक्स यहां से प्रोवाइड कर दिया, तो हीट गिवन थ्रू दिस कॉन्स्टेंट हीट फ्लक्स वुड बी द हीट टेकन बाय वाटर, तो हीट टेकन बाय वाटर कितना होगा, m dot cp tb2 minus tb1, this would be the temperature and this is tb1, this is tb2, ठीक है, यहां final temperature minus initial temperature, tube का temperature, ठीक है, ये आपको 20 degree centigrade दिया हुआ है, ये आपको नहीं दिया, ये x है, ठीक है, q has been given as 2500 X, Q has been given as 2500 X, ये temperature हमें unknown है, ठीक है, तो यहां से क्या लिखेंगे, MCP, this would be equals to integration QW into pi D, ठीक है, multiplied by DX, और कहां से कहां integrate कर देंगे, 0 से लेके L तक integrate कर देंगे, पूरी length, यहां से लेके यहां तक, 0 से लेके L तक पूरा यहां पर हम integration कर देंगे, तो सिंपल है, जब आप इसको सॉल्व करोगे, इंटीग्रेट करोगे, तो फाइनल आंसर आपका TB2 कितना आ जाएगा, 62.28 या नियरली कह सकते हैं 62 डिग्री सेंटीग्रेड,
62.28 और नियरली लिख सकते हैं 62 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर नियरली 62. तो करेक्ट आंसर इज सेकेंड ऑप्शन बी. ठीक है, यहां कुछ नहीं करना है. द हीट विच इज गिवन बाय द हीट फ्लक्स विल बी कंप्लीटली टेकन बाय द वॉटर और फाइनली उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा. ठीक है, फाइनली उसका टेम्परेचर हमारा यहाँ पर बढ़ जाएगा. तो इंटीग्रेशन कर देंगे जीरो से लेकर पूरी एल लेंथ तक, क्योंकि पूरी एल तक वो हीट एब्जॉर्ब करता जाएगा. तो करेक्ट आंसर यहां पर आ जाएगा 62. करेक्ट आंसर आ जाएगा 62. इसी में नेक्स्ट पार्ट है. देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है. इफ QW इज इक्वल टू 5000 एंड द कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट एट द पाइप आउटलेट इज गिवन, द टेम्परेचर एट द इनर सरफेस ऑफ द पाइप. ये आपको दिया हुआ है. अब यहां से हमें Q has been given 5000 watt per meter square, H has been given 1000 watt per meter square Kelvin. तो Q into pi dL, Q into area, this would be equals to MCP TB2 minus 20. मान लीजिए जो inner temperature है वो हमने यहाँ पर क्या मान लिया, TB नहीं टीबी टू टेम्परेचर, आउटलेट टेम्परेचर हो जाएगा. हम ये आउटलेट टेम्परेचर फिर अननोन हो गया क्योंकि अब हीट फ्लक्स चेंज हो गया. तो यहां से जब आप टीबी टू निकालोगे, यहां से जब आप टीबी टू निकालोगे तो हो जाएगा 76.37 डिग्री सेंटीग्रेड. 76.37 डिग्री सेंटीग्रेड. अब जो हीट फ्लक्स है आपका Q, दिस वुड बी इक्वल टू एच इन टू टी डब्ल्यू माइनस 76.37. ठीक है, तो यहां से आपका टी वॉल कितना निकल आएगा, टी वॉल यहां से आपका निकल आएगा 81.36 या नियरली कह दें 81 डिग्री सी, नियरली कह दें 81 डिग्री सेंटीग्रेड हैज बीन गिवन, मतलब आ जाएगा हमारा. ठीक है, तो करेक्ट आंसर वुड बी 81 ऑप्शन डी. 81 हो जाएगा ऑप्शन डी. तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है कितनी हीट कंडक्ट हो रही है, कितनी हीट कन्वेक्शन से आ रही है, कौन एब्जॉर्ब करेगा, कौन हीट को गिव अवे करेगा. ठीक है, चलिए तो ये भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन है. ये मैं कहूंगा थोड़ा सा ट्रिकी या कहीं थोड़ा सा मॉडरेट से टफ लेवल का क्वेश्चन यहां पर एचएमटी में पूछा गया है. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द रेशियो ऑफ द लैमिनार हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर टू द थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस ऑन अ फ्लैट प्लेट फॉर टू फ्लूइड्स पी एंड क्यू. मान लीजिए पी के लिए ये रेशियो है 1/2, क्यू के लिए ये रेशियो है 2. द रेनॉल्ड्स नंबर बेस्ड ऑन द पाइप फॉर बोथ द फ्लो, रेनॉल्ड्स नंबर दोनों ही 10 to the power 4. द प्रांटल नंबर फॉर द पी, प्रांटल नंबर यहां के लिए 1/8 और यहां है 35 रिस्पेक्टिवली. द प्रांडल एंड द नसल नंबर, जस्ट सेकेंड, प्रांटल नंबर इज 1/8 एंड नसल नंबर 35 दिया हुआ है. किसके लिए, पी के लिए. आपको क्या बताना है, क्यू के लिए प्रांटल नंबर और नसल नंबर. ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर हम लगाएंगे मैकएडम्स इक्वेशन. nu इज इक्वल टू 0.023, रेनॉल्ड्स की पावर 0.8, प्रांटल की पावर 0.4 लगा लीजिए. ठीक है, ये इक्वेशन हम लोग यहां पर यूज कर लेंगे. और P के लिए अगर आप देखें, मतलब P वाले फ्लूइड के लिए अगर आप देखें, तो प्रांटल नंबर की पावर 1/3 इज इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन डेल्टा T. ये तो कर ही सकते हैं. तो प्रांटल नंबर यहां पर आपको दिया हुआ है, डेल्टा अपॉन डेल्टा T का भी रेशियो आपको दिया हुआ है. ठीक है, ये हो गया. अच्छा, Q के लिए आपको रेशियो दिया हुआ है 2. Q के लिए आपको रेशियो दिया हुआ है 2. ठीक है, तो हम वही इक्वेशन लगाएंगे. नसल नंबर इज इक्वल टू 0.023, रेनॉल्ड्स नंबर की पावर, जस्ट अ सेकेंड, नसल नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नो, ये इक्वेशन नहीं लगाएंगे. आई एम सो सॉरी, यहां पर हम लोग लगाएंगे नसल नंबर इज इक्वल टू के टाइम्स रेनॉल्ड्स की पावर 1/2, प्रांटल की पावर 1/3. ये इक्वेशन हम लोग यहां लगाएंगे. हम लोग अपना मैकएडम्स नहीं लगाएंगे, वी विल अप्लाई दिस रिलेशन. ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं अपने थ्योरी में. ठीक है, ये भी हम लोग अपने थ्योरी में पढ़ चुके हैं. तो इसको जब आप लगाओगे तो आपको नसल नंबर एंड प्रांटल नंबर फॉर क्यू जो है आप इवेल्युएट कर लोगे. रेनॉल्ड्स नंबर आपको दिया ही हुआ है, तो हम लोग यहां से ये भी लिख सकते हैं
Nusselt number for P upon Nusselt number for Q is equals to Reynolds number तो दोनों का same है तो Prandtl number to the power of 1 by 3 for P upon Prandtl number to the power of 1 by 3 for Q. P का Nusselt number दिया हुआ है Prandtl number दोनों के निकाले जा सकते हैं Nusselt number Q का यहाँ से easily आ ही जाएगा तो Nusselt number जब आप Q का निकालोगे तो 140 आ रहा है तो 140 आ रहा है तो option A सही हो गया ठीक है तो ये रिलेशन याद करेंगे Nusselt number is equals to k times Reynolds number to the power of half Prandtl number to the power of 1 by 3 ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ठीक है और आप Prandtl number जब q का निकालोगे Prandtl number q का निकालोगे तो कितना आ जाएगा इट वुड बी डेल्टा अपॉन डेल्टा t का क्यूब ठीक है तो डेल्टा अपॉन डेल्टा t क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है तो 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8 तो सबसे पहले तो आप Prandtl number निकाल लेना उसके बाद क्या निकाल लेंगे हम अपना रेनॉल्ड्स सॉरी Nusselt number व्हिच इज 140 तो करेक्ट आंसर इज 8 एंड 140 चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहां पर अच्छा क्वेश्चन है ठीक ठाक है एक इस तरीके से क्यूबॉइड आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है ठीक है एंबिएंट टेंपरेचर इज 30 हीट यहां पर यूनिफॉर्म जनरेट हो रही है एट द रेट ऑफ 1000 वाट पर मीटर क्यूब Assuming the phase PQRS to be at uniform temperature, its steady state temperature is. अब उसका steady state temperature आपको निकालना है. तो हम कह देंगे जो heat यहाँ पर आपकी generate हो रही है, which that would be equal to heat convected. कितनी generate हो रही है? ये generate हो रही है 100 multiplied by the volume. This would be equals to कितना convection? Sorry, Q convection. Q convection कितना जाएगा? H into A into T surface minus T infinity तो 100 into volume कितना जाएगा 2 into 1 into 2 this would be equal to H कितना दिया हुआ है convective heat transfer coefficient दिया हुआ है 10 multiplied by A कौन से surface का निकालना है PQRS तो PQRS ठीक है इस surface का area कितना हो जाएगा इस surface का area हो जाएगा 2 into 2 कितना जाएगा 2 into 2 TS minus T infinity तो आपको TS यही निकालना है minus T infinity तो 30 दिया ही हुआ है तो यहां से आप पूरा सॉल्व कर लीजिए इसका टेंपरेचर आ जाएगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड कितना आ जाएगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तो करेक्ट आंसर इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड ऑलराइट चलिए तो ये पूछा गया था IISc बैंगलोर 2008 चलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है देखिए ये क्वेश्चन और पहले वाला क्वेश्चन हम एक जो कर चुके हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही है ठीक है चलिए तो टेंपरेचर प्रोफाइल आपको दिया हुआ है यहां से आपको पूछा है लोकल Nusselt नंबर बेस्ड ऑन द थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस डेल्टा टी कितना हो जाएगा तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा डेल टी बाय डेल वाई एट वाई इज इक्वल टू 0 तो यहां पर डेल टी बाय डेल वाई कितना हो जाएगा 3/2 टाइम्स ऑफ into 1 upon del t minus 1/2 into 3 y by del t का square y को 0 रख देंगे ये उड़ जाएगा पूरा तो del t by del y at y is equal to 0 कितना हो गया 3/2 times del t 3/2 times del t ये आपका हो गया ठीक है तो यहां से जो हमारा Nusselt number होता है, always remember, Nusselt number is equal to del t by del y at y is equals to 0 divided by t s minus t f by delta t. ये होता है हमारा formula, ठीक है? ये actually हमारे numerical से ही आया, मैं आपको directly बता रहा हूँ, ये आप लोग कहीं भी इसको use कर सकें, तो इससे जब आप अपना ये comparison करोगे, तो यहाँ 3/2 कितना है, 1.5 times delta t, क्योंकि delta t चला जाएगा ऊपर, तो जाएगा 1.5 times something into delta t, तो कितना आ जाएगा answer यहाँ पर 1.5, correct answer क्या हो जाएगा 1.5, तो कुछ question क्या होता है, कभी-कभी हम गलत करते-करते भी सही कर देते हैं, तो ये कुछ ऐसे ही questions में से है आप इसको मतलब 70% probability है कि सही कर लेंगे 30% है कि इसमें फंस सकते हैं तो ये आप लोग चीजें याद रखेंगे देखिए प्रीवियस गेट वाले प्रॉब्लम से हमें कुछ एक अच्छी सीख ये मिलती है कि हमें कुछ नए यहां से टेक्निक्स कुछ नए फॉर्मूले सीखने को मिल जाते हैं जिसको यूज करके हम लोग फ्यूचर में आने वाले क्वेश्चंस जो कि आईआईटीज बना सकते हैं
उसको आप सॉल्व कर लेंगे अगर आपने प्रीवियस ईयर को अच्छे से सॉल्व किया हुआ है तो। ठीक है, चलिए ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन अनइंसुलेटेड एयर कंडीशनिंग डक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हैज बीन गिवन, ठीक है, 1 into 0.5 मीटर कैरिंग एयर एट 20 डिग्री, मींस टेम्परेचर ऑफ एयर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सपोज टू एन एम्बियंट ऑफ 30 डिग्री सेंटीग्रेड, निगलेक्ट द इफेक्ट ऑफ डक्ट कंस्ट्रक्शन मटीरियल फॉर एयर इन द रेंज ऑफ 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, फॉलोइंग थर्मल कंडक्टिविटी इज गिवन, विस्कोसिटी इज गिवन, प्रांटल नंबर इज गिवन, डेंसिटी इज गिवन, लैमिनार फ्लो नसल नंबर इज गिवन फॉर अ कॉन्स्टेंट वॉल टेम्परेचर कंडीशन एंड फॉर द टर्बुलेंट कंडीशन इट इज गिवन एज 0.3। सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू 0.33 एंड 0.4 ये चीजें होती हैं, वो हमें याद रखना, प्रांटल नंबर की पावर n, वेयर n कैन बी 0.4 और 0.33। रेनॉल्ड्स नंबर यहां पर हमें निकालना है, ठीक है, यहां पर हमें क्या निकालना है, रेनॉल्ड्स नंबर निकालना है, रेनॉल्ड्स नंबर इज रो वी डी अपॉन म्यू, लेकिन यहां पर रेक्टेंगुलर डक्ट के लिए जो डी होता है विच इज द कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन विच इज 4 into area upon perimeter, ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है, फॉर रेक्टेंगुलर डक्ट द कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन इज 4 into area upon perimeter, ऑलराइट, 4 into area upon perimeter, तो कितना हो जाएगा यहां पर आप इसका निकालेंगे, ये हो जाएगा 0.667, ये हो जाएगा आपका 0.667, तो रेनॉल्ड्स नंबर यहां से आ जाएगा 4.44 into 10 to the power 5, यहां पर यही बस चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन होगा इन केस ऑफ अ रेक्टेंगुलर डक्ट वो हमेशा कितना होगा, वो आपका होगा 4 into area upon perimeter, ठीक है, तो यहां से रेनॉल्ड्स नंबर आ गया आपका करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, हीट ट्रांसफर पर मीटर लेंथ ऑफ द डक्ट, हीट ट्रांसफर पर मीटर लेंथ ऑफ द डक्ट निकालना है, अब आपको इसके लिए निकालना पड़ेगा h, तो h निकालने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा वही वाला रिलेशन जो क्वेश्चन में दिया है, नसल नंबर इज इक्वल टू 0.023, रेनॉल्ड्स की पावर 0.8, प्रांटल की पावर 0.33, प्रांटल नंबर इज गिवन, रेनॉल्ड्स नंबर आप निकाल चुके हैं, नसल नंबर इज HD upon K, ठीक है, HD upon K, d क्या है यहां पर, वही कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन 0.667 रखना पड़ेगा, तो यहां h की वैल्यू विल कम आउट टू बी 25.62 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, h की वैल्यू आ गई, तो q इज इक्वल्स टू HA T wall minus T infinite, h आ गया 25.62, एरिया हैज बीन गिवन एज व्हाट, P into 1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर डिफरेंस वुड बी 10, तो यहां से q नियरली आ जाएगा 769 वॉट पर मीटर, 769 वॉट पर मीटर ये आ जाएगा आपका, 769 वॉट पर मीटर, तो करेक्ट आंसर यहां से हो गया ऑप्शन डी। तो ये दोनों पार्ट पूछे गए थे गेट 2005 में। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस मॉड्यूल का, इसी मॉड्यूल इस क्वेश्चन के साथ हमारा ये वाला मॉड्यूल फिनिश हो जाएगा, नेक्स्ट मॉड्यूल में कुछ हमारे इसी चैप्टर के क्वेश्चंस और रहेंगे, उसके बाद हम लोग अपने एक नया चैप्टर शुरू करेंगे HMT में। कंसीडर अ लैमिनार बाउंड्री लेयर ओवर अ हीटेड फ्लैट प्लेट, द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी दी हुई है एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द लीडिंग एज, द वेलोसिटी बाउंड्री लेयर थिकनेस डेल्टा वी, मतलब डेल्टा वी दिया हुआ है, एंड The thermal boundary layer thickness is delta T. If Prandtl number is greater than 1, आपको पता है delta upon delta T is equals to Prandtl number की power 1/3. अगर Prandtl number 1 से बड़ा है, it definitely means कि ये आपका इससे बड़ा होगा, या फिर दूसरी भाषा में कह सकते हैं delta T is less than delta V. तो यहाँ से A तो आपको सीधा सीधा ही दिख रहा है, यहाँ से आपको ए सीधा सीधा दिख रहा है, देखिए प्रांटल नंबर पे बेस बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं, हम लोग कर भी चुके हैं, ऑलराइट दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा ये वाला मॉड्यूल भी यहीं पर फिनिश होता है, और नेक्स्ट मॉड्यूल में इसके आगे हम लोगों को पढ़ना है और प्रॉब्लम्स लगाएंगे, नेक्स्ट मॉड्यूल जो हमारा जो भी होगा 6 या 7 मॉड्यूल होने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अगर कोई हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहता है
तो हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।